लगा दो, ये भी लगा दो। नमो आर्यम, ओम नमो
साहुरम नमो लोहे सब साहुरम ओम नमो हरिहंतारम ओम नमो सिद्धारम ओम नमो आययारम ओम नमो वजायारम नमो लोहे सब साहुरम नमो लोहे सब साहुरम ओम नमो हरिहंतारम ओम नमो सिद्धारम ओम नमो आययारम ओम नमो वजायारम नमो लोहे सब साहुरम नमो लोहे सब साहुरम ओम नमो हरिहंतारम ओम नमो सिद्धारम ओम नमो आययारम ओम नमो वजायारम नमो लोहे सब साहुरम नमो लोहे सब साहुरम ओम नमो हरिहंतारम ओम नमो सिद्धारम ओम नमो आययारम ओम नमो वजायारम नमो लोहे सब साहुरम ओम नमो हरिहंतारम ओम नमो सिद्धारम ओम नमो आययारम ओम नमो वजायारम आदि ब्रह्मा आदि नाथ भगवान की देवर देवे कलरा क्रीम चंद्र भगवान की देवर दिए के बजाय शंकर श्री भास्कर भगवान की विश्वनि के लिए मंदिर शासन ने कई अवतार भगवान महावीर स्वामी की भावेश्वर बाहुबली भगवान की चौबीस तीर्थ भगवान की बादशाह गिरवाणी माता की समस्त आचार्य संघ की परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विष्णुदंत सारा जी महाराज की पहले थोड़ा सा भय रखेंगे शांति रखेंगे मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति 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 आप जैसे देखें लोग कहते हैं कि चंद क्षण की समाधि चंद क्षण की नहीं जिस क्षण से दीक्षा प्रारंभ होती है उस क्षण से साधक के संस्कार के साथ ही साधना प्रारंभ हो जाती है और उस साधना का फल जीवन के अंत में आता है जो आज आप देख रहे हैं कि तरुण सागर जी के उस वृक्ष में संयम के फल पल्लवित हुए और उन्होंने अपने जीवन में जो संयम का चारित्र का पालन किया है निर्वाह किया है और अपनी दुख देशना से जगति को जागृत किया है संदेश दिया है जिनके सिद्धांत था कि शमशान नगर के बाहर नहीं शमशान चौराहे पर होना चाहिए ताकि व्यक्ति एक दूसरे की स्थिति को देख करके अपनी स्थिति को समझ सके कि एक दिन मुझे भी सुप्रते खाप होना है और वह व्यक्ति जब इस प्रकार की भावना को भाएगा तो नियम से उसके अंदर कुछ न कुछ वैराग्य जागृत होगा इन भावनाओं को लेकर के मुनि तरुण जी महाराज हमेशा अपनी बात कहा करते थे करवट अगले प्रवचन के माध्यम से जो फेमस थे किस विद्या के मैं कितना कहूँ प्रवचन का विषय नहीं है समय नहीं है फिर मैं ये कहता हूँ कि आंख खुली सपना गया आंख खुली सपना गया आंख फिरी अपना गया आंख फिरी दफना गया तो ये स्थिति बनती है जब तक आंख खुली है तब तक सब अपने हैं और जब आंख खुल जाती है तब कोई अपना नहीं होता है लेकिन ये सांसारिक स्थिति है साधु के साथ की स्थिति नहीं साधु के साथ तो जो व्यक्ति जीवन के क्षणों से प्रारंभ से जुड़े हैं वो अंत क्षण तक और ये साधु की साधना का फल है
कि साधु समाधि के बाद मरता नहीं है बल्कि वह अजरामर हो जाता है और सबके दिलों में अमर छाप छोड़ जाता है। लोग को प्राप्त हुए हैं लेकिन सबके दिलों दिमाग पर एक छाप छोड़ कर गए हैं, वो अमित हैं और सबकी स्मृति पटल पर अंकित है। ऐसे तरुण सारा जी महाराज का आज यहाँ पर समाधि मरण हुआ। उनके सपने थे, उन्होंने अपने जीवन में सपने संजोए और जिन सपनों को संजोया है उनको साकार किया है। उनका सबसे पहला सपना था कि लाल किला से मैं लाल किला की प्राची से मैं संबोधन करूं। अहिंसा महाकुंभ का उन्होंने संघनाद किया, अहिंसा कुंभ के नाम से उन्होंने एक लाल किले पर रैली की और सबको संबोधित किया। इसके बाद महाराज ये अंतिम संस्कार की क्रियाएं समाधि संलग्न की जो विधि होती है आगम अनुसार आगम परंपरा से वहाँ पर कराएंगे। यहाँ पर साधु समाज विराजमान है, साधु संघ विराजमान है, सब साधु अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार यहाँ से चलेंगे। जिसकी जैसी जैसी शक्ति होगी वो आगे सब यात्रा में सम्मिलित रहेंगे और यदि कुछ चलना चाहेंगे तो स्वागत है, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि 28 किलोमीटर का लंबा रन है। तो सभी साधुओं की भावनाएं हमेशा प्रतिपल साथ हैं, हम तन से दूर होंगे लेकिन मन से हम अभी भी वहाँ ही होंगे। तन की दूरी दूरी नहीं होती, मन की दूरी दूरी होती है। तन से कितनी दूर रहें लेकिन मन पास है तो हम हमेशा पास में हैं। तो वहाँ पर सौरभ सारा जी क्रियाएं कराएंगे और सौरभ सारा जी के साथ साथ हमने योग भूषण महाराज जी की ड्यूटी लगाई है कि ये भी जाएंगे, ये भी वहाँ की क्रियाओं का संचालन करेंगे और साथ में ब्रह्मचारी सौरभ तरुण सतीश भैया जी, ब्रह्मचारी तरुण भैया जी, ब्रह्मचारी कृष्ण, ब्रह्मचारी देवेन और ब्रह्मचारी धीरज राहतगढ़ से अभी आने वाला है, वो भी मास्टर है, पूरा जानकार है। तो ये सब मिलकर के वहाँ पर मुनिश्री की क्रिया को कराएंगे। ये सौभाग्य इनके भाग में है, हमारे भाग में नहीं है। हमारे भाग में हम सबके भाग में इतना ही था कि उनको अंतिम विदा दी है, तन से अंतिम विदा देनी है लेकिन तन की अंतिम विदा हम लोग नहीं दे पाएंगे। तन की अंतिम विदा वहाँ पर सौरभ सारा जी रहेंगे। तन से हम लोगों ने उनके आत्मा की परमात्मा की विदा यहाँ से दी है और हम सभी एक ही भावना पाएंगे कि जितनी शालीनता के साथ यदि हम इस क्रियाचर्या में चलेंगे तो हम शाश्वत पुण्य के भागी बनेंगे। ये सौभाग्य हर किसी को हमेशा नहीं मिलते हैं, ये सौभाग्य बहुत पुण्य के उदय से मिलते हैं। एक साधु की समाधना अर्थी तो रोज उठती है, अर्थी तो रोज जाती है, न मालूम कितनी अर्थी पर चले गए लेकिन जीवन के अर्थ को आज तक नहीं समझ सके। तरुण सारा जी का ये था कि अर्थी उठे उसके पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना, चिता जले उसके पहले चेतना को जला लेना, वो राग ठंडी हो उसके पहले अपने स्वभाव को ठंडा कर लेना। ये तरुण सारा जी के ही सिद्धांत थे। उसी में कह रहा हूँ अर्थी तो रोज उठती है, हमेशा उठती है, अनेक अनेक अर्थियों में आप गए होंगे लेकिन उससे जीवन का अर्थ फल नहीं होगा। एक साधु की सौ यात्रा में हम चलेंगे, साधु की अंतिम यात्रा में हम चलेंगे तो हम बहुत पुण्य के भागी बनेंगे, साथ ही से पुण्य के भागी बनेंगे लेकिन परिणामों को निर्मल बनाते हुए, परिणामों को शांत रखते हुए जितना हम यात्रा में सम्मिलित बनेंगे, जितने पद हम जमीन के नापेंगे उतने कर्मों को क्षय हम करेंगे, उतने पुण्य का सृजन हम करेंगे। तो बंधु मेरी आपसे एक ही अपेक्षा है, एक ही अनुरोध है कि शालीनता और शांति के साथ मुनिश्री की यात्रा में सम्मिलित हों और कल्पना करें कि एक दिन मेरे जीवन में भी वह लक्ष्य बने कि मैं भी आत्मा से परमात्मा की यात्रा करूं और हमारे अंदर भी एक दिन वही संस्कार पड़े। क्योंकि समाधि मरण एक ऐसा मरण है कि जिसके जीवन में समाधि मरण हो जाता है तो अनिश्चय समाधि मरण हो जाए तो वो दो या तीन भाव में मोक्ष का पात्र बन जाता है। सभी महाराज हैं, सियालुआ युवा परिषद के सभी लोग बाहर की व्यवस्था को संभालते हैं। हम डोला लेकर कुछ ही देर में बाहर पहुंच रहे हैं और मैं चार व्यक्ति यहाँ पे बुला रहा हूँ, नवीन जी, सुरेंद्र जी, सतीश जी, मोहन भाई, यहाँ पर चार कोने पर खड़े हो रहे हैं, हमारी व्यवस्था साथ में है। बाकी सारे भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ बहुत जल्दी से पीछे करके पीछे से बोले।
देखिए सभी से मेरा निवेदन है, 5 मिनट के पश्चात उनके श्री विमान के अंदर सवार होकर बाहर आने वाले हैं। बाहर से एंट्री बंद कर दे और सभी को जो हमारे यहाँ पर स्वयं सेवा आए हुए हैं, मेरा सभी से अनुरोध है जो पीली शर्ट वाले भैया ये सारे इसके अंदर कल वाले इनसे सबको बाहर निकाले, सबको श्रीमता के साथ बाहर निकाले, उनके मूल्य श्री विमान में सवार होकर अभी बाहर आ रहे हैं। जो अंदर की क्रियाएं हैं वो संपन्न होंगी। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज और परम पूज्य मेडिटेशन गुरु श्री विशंत सागर जी महाराज और स्वयं पूज्य गुरुदेव श्री अरुण सागर जी महाराज और चुनक श्री योग भूषण जी गुरुदेव और समस्त मुनियों के पावन सानिध्य में आज पूज्य गुरुदेव श्री का आज श्री हनुमान सागर जी महाराज उनके पावन सानिध्य और नेतृत्व में यह मृत्यु महोत्सव संपन्न हुआ है और उस मृत्यु महोत्सव के हम सभी को साक्षी होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक ऐसे राष्ट्र संत जिन्होंने जो चाहा वो किया, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो सभी को अपनी आवाज से नकारा और जो कड़वे प्रवचन के मैं हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद माननीय श्री संदीप कपूर जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जैन समाज राजेपुरी की ओर से और समस्त भारतवर्ष समाज की ओर से जिन्होंने अपना संपूर्ण मन धन से पूरी पुलिस व्यवस्था सफाई व्यवस्था और पूरी व्यवस्था में हमें अपना योगदान दिया। और मैं यहाँ की पुलिस के विमान यात्रा में प्रथम कर्ता देने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे राधेपुरी जैन समाज ने। मैं राधेपुरी जैन समाज के सभी पदाधिकारियों को सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कृपया सभी विमान के नजदीक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूँ अपने राधेपुरी जैन समाज के सभी पदाधिकारियों से वे कृपया विमान के पास पहुंचे और उसके पास कर्ता देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तरुण क्रांति मंच ने वह भी उसके सभी पदाधिकारी ट्रस्टीगण वह भी सभी विमान के पास पहुंचे और सभी कर्ता देकर पूज्य गुरुदेव श्री की इस विमान यात्रा को प्रारंभ करें। पुनः अनुरोध करता हूँ श्याम राधुआ कलम से बाहर की पूरी व्यवस्था को आप बनाए रखिए और जिससे विमान यात्रा सुचारू रूप से यहाँ से निकल सके। मैं राधेपुरी जैन युवा संगठन का भी धन्यवाद करता हूँ। निवेदन करता हूँ राधेपुरी जैन समाज, तरुण क्रांति मंच ये सभी आगे हुए और प्रथम कर्ता देने का सौभाग्य प्राप्त करें। राधेपुरी जैन समाज और तरुण क्रांति मंच और जैन युवा संगठन राधेपुरी ये भी आगे हुए। कर्मचारी पशुओं कर्मचारी देवे भैया ये सभी लोग पहुंचे। पहले डोले को भ्रमते को उठाएगा हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद श्री निर्मल जैन जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरणों में अपनी नमोस्तु अर्पित कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच जिनवानी चैनल के माध्यम से भी पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जा रही है, जो जिनवानी चैनल के सीएमओ है उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और माननीय श्री संदीप कपूर जी जो निगम पार्षद है जिनका हमें पूरा सहयोग मिला है उनका भी धन्यवाद। अब सभी 9 बार नमो कारवंत का उच्चारण करें। नमो हरिहंता नम नमो आयम नमो गजानम नमो लोहे सवे साहु नम नमो हरिहंता नम
नमो आईरिया नम नमो नमे सवे साव नम नमो अरिहंता नम नमो आईरिया नम नमो नमे सवे साव नम नमो अरिहंता नम नम नमो आईरिया नम नमो नो ये सवे साव नम आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।